बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। दुनिया जो है यहाँ क्या कि हर 20 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पे कद काठी रंग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, 200 किलोमीटर पे 50 60 100 किलोमीटर के डिफरेंस में भाषा बदल जाती है। ये दुनिया है, इसमें सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, छोटे भी हैं लंबे भी हैं पतले भी हैं कमज़ोर भी हैं, तो सब जगह की अपनी अलग अलग खासियतें भी हैं। बहुत ज़रूरी बात जो करनी थी वो ये है कि लोग यहाँ कोरोना से तो कम मरेंगे, भुखमरी से ज़्यादा मरेंगे। सबसे पहले तो एक और बार बहुत बहुत मुबारकबाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता को। देशभक्ति क्या होती है, देश सेवा क्या होती है, समाज सेवा क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये दिखाने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मंगल कामनाएं। बस अपना भी ख्याल रखिए और कार्य को लगातार करते रहिए। आज सड़क पर गरीबों को मदद कर रहा है तो वो आप लोग हैं, और गजब की बात देखिए कि ये पैसे वाले लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, बस नीयत की बात है। ऐसे तो 131 SC ST के MP भी हैं, लेकिन SC ST के लिए कौन काम करता है ये इसके लिए नीयत की बात है। मैं अगर बात करूं विश्व की तो चाहे USA हो, बहुत गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं बहुत गौर से सुनना, और लाइव के बाद भी सुनना इसे आराम से, ये काम आएगी। और समर्थक तो सुने, विरोधी भी सुने, भक्त भी सुने, उनको भी सुनना चाहिए। USA हो, UK हो, इटली हो, फ्रांस हो, इस महामारी से बचाव के लिए अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सब देशों ने 15 कुल संपत्ति का 15% लगभग जो है वो बांट दिया लोगों में, कि जिससे कि देश में भुखमरी ना आए, गरीबी ना आए। भारत ने भी दिया, पता है कितना, 0.9%। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने दिया है 15% अपने देश को बचाने के लिए, गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हमारी सरकार ने भी दिया। मैंने बताया ना कितना, 0.9%। और जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है हम लोग, यहां 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति बन सकती है, समझ रहे हैं। वहां की सरकारों ने ये पैसा इसलिए रिलीज किया है कि जो जरूरी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसे जिनके पेट्रोल पंप हैं या और कोई छोटा व्यापार है, एजेंसियां हैं, कुछ लोग ही कोल्ड ड्रिंक की एजेंसियां यहाँ काम है, कुछ लोग की गैस की एजेंसियां यहाँ काम है, और छोटे छोटे थोक बाजार की जो छोटे छोटे जो थोक के सामान जो बिकते हैं उनकी एजेंसियां हैं यहाँ पर देश के अंदर, उन सब लोगों के जो के यहाँ जो लेबर काम करती है वो कहाँ से देंगे। इसलिए वहाँ की सरकारों ने दिया कि 80% पैसे हम देंगे, हम पे करेंगे, आप लोग घर रहिए। और हमारे प्रधानमंत्री का, आप लोग घर रहिए, राशन के लिए आप भूखे मरिए, आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़े वादे कर दिए, जितने तमाम योजनाओं पे वादे किए हैं एक की जमीनी हकीकत आपको नहीं नजर आएगी। मैं जो बात रखूं गंभीरता से आप ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया जो है हेल्थ पे, अपने देश के हेल्थ पे कम से कम GDP का 10% खर्च करती है पूरी दुनिया, कोई सा देश हो, UK हो, USA हो, इटली हो, फ्रांस हो, कनाडा हो। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ओजस्वी क्रांतिकारी प्रधानमंत्री, जो किसी भी समय लाइव आके बोल जाते हैं कुछ भी बिना भविष्य सोचे, जब 2014 में भाजपा की सरकार आई तो 1.9% GDP का जो है हेल्थ पे खर्च होता था, आज इन्होंने घटा के 1.6% कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में चले जाए,
और 80% हेल्थ इनकी सरकार में प्राइवेट सेक्टर में चली गई।